हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू टॉपिक स्टडी चैनल। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 22 नवंबर के करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे पूछे थे कुछ शास्त्रीय नृत्य कि वो किस राज्य के हैं, तो हमारा भरतनाट्यम मैंने पूछा था ये तमिलनाडु से है, कथकली नृत्य जो है ये केरला की है, मोहिनीअट्टम है ये भी केरला की है, एंड कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश की है। तो आप लोगों में से मैक्सिमम के आंसर सही थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। ई शौचालय पेश करने की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ये की गई है रेलवे मंत्रालय ने। ई शौचालय जो है रेलवे मंत्रालय द्वारा की गई है। इन्होंने टॉयलेट डे को चिन्हित करने के लिए एक विशेष पहल की है ई शौचालय के तहत। ऐसा होगा कि रेलवे ने पहली बार रेलवे कोच जो है ना सारे उनमें ई शौचालय या ई टॉयलेट कह लीजिए पेश की है। ये पूरी तरह से मानव रहित है और ये स्वचालित संचालन है होगा इनका, मतलब मानव रहित है, इनमें अब मैन का कोई काम नहीं है, मानव का कोई काम नहीं है, ये पूरी तरह से स्वचालित संचालन है इनका, ठीक है। तो ये हुई है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशाला किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? सिटी गैस वितरण ये जो परियोजना है ना, ये श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की जाएंगी। आज ही 22 नवंबर को ही ये लॉन्च की जानी है। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए नरेंद्र मोदी, एंड इसमें होगा क्या, लाइक देखिए इन्होंने 129 जिलों को इसमें कवर किया है, ठीक है, 129 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किया है इस सिटी गैस वितरण के थ्रू, और इसमें गैस आपूर्ति की उपलब्धता जो है ना उसे बढ़ावा देगा ये गैस सिटी गैस वितरण, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन क्या होगा, ए श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निबरली ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये जोर शोर से ये ऐप है आजकल पूरी हर जगह छाया हुआ है। तो निबरली ऐप जो है ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसका काम क्या है, निबरली से हम क्या समझ रहे हैं? देखिए पड़ोसी का इंग्लिश क्या होता है, नेबर होता है, एंड निबरली इसका काम भी कुछ इस तरह का है। ये व्यक्तियों को अपने स्थानीय पड़ोसियों से जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये गूगल ने लॉन्च किया है एंड ये बैंगलोर और दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत ने भारतीय नौसेना के लिए गोवा में 2 मिसाइल पोत के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किस देश के साथ किया? इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि देखिए गोवा में 2 मिसाइल पोत का निर्माण होगा, अब उसके लिए 500 मिलियन डॉलर की ज़रूरत है, और ये जो सौदा है 500 मिलियन डॉलर का सौदा जो है भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये जो देश है ये है रूस, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए, डी रूस। रूस के साथ ये 500 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की सौदा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इंटेक्स दक्षिण एशिया के चौथे संस्करण का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इंटेक्स दक्षिण एशिया के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ श्रीलंका में। यहाँ मैंने क्वेश्चन में देश कहा था इसलिए मैंने श्रीलंका दिया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ये हुई है, एंड दक्षिण एशिया का ये सबसे ज़्यादा सोर्सिंग का, देखिए ये दक्षिण एशिया सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा सोर्सिंग का शो है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। यहाँ देश का बात किया गया है, मैंने देश पूछा था इसीलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। कौन से देश ने सुब्रतो कप लॉन्च किया, सॉरी जीता? इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सा देश है जिन्होंने सुब्रतो कप जीता। तो देखिए सुब्रतो कप जो है वो बांग्लादेश ने जीता है इस पर। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए, बी बांग्लादेश। 20 नवंबर में जूनियर बालक सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुई थी, उसका 59 एडिशन हुआ था और ये जीता बांग्लादेश ने। इसका जो इनके बीच में जो फाइनल मैच हुई थी ये हुई थी दिल्ली में, ठीक है। इसका फाइनल दिल्ली में हुआ था और बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराकर इस बार का सुब्रतो कप जीता है। ये सुब्रतो कप अब हम समझ लेते हैं कि ये किस गेम से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल में सुब्रतो कप दी जाती है। हमारे ऑप्शन क्या थे, बी बांग्लादेश, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण और कल्याण के लिए गौ सेवा आयोग स्थापित करने का फैसला लिया है? मतलब गौ सेवा आयोग जो है वो किस राज्य के द्वारा स्थापित की जाएगी, इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान देना है। तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया है कि गाय के संरक्षण और कल्याण के लिए गौ सेवा आयोग स्थापित कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि देखिए अब क्वेश्चन में ही दे रखा है कि गाय के संरक्षण और गाय का कल्याण, गाय की देखभाल की जाएगी। और एक चीज़ होगी कि देखिए जितने भी सड़कों पे हम देखते हैं ना आवारा पशु घूमते रहती हैं, गाय वगैरह सड़कों पे हमें जो मिल जाती हैं वो उन्हें भी संरक्षित करेंगी, उनका भी उनके भी कल्याण के लिए ये गौ सेवा आयोग स्थापित की जा रही है हिमाचल प्रदेश के द्वारा।
इसमें ऑप्शन हो जाता है सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने किस राज्य के पलवल जिले में भारत के पहले श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की नींव रखी? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किस राज्य के पलवल जिले में भारत के पहले श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो ये है हरियाणा। पलवल जिला जो है ना, ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पलवल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहाँ मोदी जी ने इसकी नींव रखी है, ये ध्यान रखना है। और ये विश्वविद्यालय का नाम है श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, भारत का पहला ये, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 24वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का ये जो 24वां संस्करण हुआ, ये हुआ कोलकाता में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए कोलकाता, एंड ये नेताजी इंडोर स्टेडियम जो है कोलकाता में, वहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए भारत और विश्व बैंक ने 310 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते हस्ताक्षर किए हैं? मतलब भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच में 310 मिलियन डॉलर का ऋण का हस्ताक्षर हुआ है, लोन के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। अब ये किस राज्य की जो पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए, इस पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में होगा क्या कि ये वहाँ के नागरिकों को 24x7 विश्वसनीय गुणवत्ता वाली सस्ती बिजली प्रदान करेगा? ये राज्य है झारखंड। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। तो बात आती है कि जब 310 मिलियन डॉलर की बात आती है कि 310 मिलियन डॉलर के जो ऋण हुए हैं वो भारत और विश्व बैंक के बीच में, तो ये इन्होंने झारखंड के लिए लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अखिल भारतीय पुलिस संचार सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये हुई है आपकी नई दिल्ली में। हमारे ऑप्शन हो जाती है बी नई दिल्ली। ये 2 दिनों का सम्मेलन था। संचार राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और ये अखिल भारतीय पुलिस संचार सम्मेलन जो हुआ, इसमें इनका जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि संचार के सभी, मतलब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन होते हैं संचार के, तो उन सबको सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना और अभिनव, और जितने भी आधुनिक पुलिस संचार को प्रोत्साहित करने के लिए वो सबको एक मंच में एक साथ लाना चाहते हैं, ठीक है। ये इनका उद्देश्य था, पर हमें ये ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय पुलिस संचार सम्मेलन उद्घाटन हुआ कहाँ है, ये हुई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल प्रतिभा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंचा? तो देखिए भारत पहुंचा 53 में, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल प्रतिभा रैंकिंग भारत का जो रैंक है वो है 53। भारत देखिए 2017 में भारत की रैंकिंग थी 51, भारत 2 स्थान और नीचे घसक गया, इसकी रैंक आ गई 53। 2017 में हमारा इंडिया था 51 पे, और इस बार हमारा इंडिया है 53 पे, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल प्रतिभा रैंकिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया? विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया 21 नवंबर को। इस अनुसार हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, विश्व मत्स्य पालन दिवस, मत्स्य से समझ में आ रही है मछली पालना, जो मछुआरे जो मछली पालते हैं, इसे ही ये विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसमें ये सार्वजनिक रैली होती हैं, इनके समारोह होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखा गया है डॉक्टर राजेश भट्ट जी के द्वारा। इस पुस्तक में जितने लोग और राष्ट्र की जो सेवा करके रेडियो कश्मीर द्वारा अर्जित सम्मान की व्याख्या की गई है ये पुस्तक में, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना है कि ये बुक डॉक्टर राजेश भट्ट जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेलवेट ग्लव्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक लिखी गई बालकृष्ण कामत जी के द्वारा, श्री बालकृष्ण कामत जी के द्वारा वेलवेट ग्लव्स लिखी गई है। एंड ये बुक देखिए बालकृष्ण कामत जी ना इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व मतलब फॉर्मर ऑफिसर रह चुके हैं, और इन्होंने ये बुक अपनी पत्नी रेमा को समर्पित किया है, और इस बुक का नाम है वेलवेट ग्लव्स, जो कि बालकृष्ण कामत जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, सर हेनरी कॉटन रुकी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? सर हेनरी क्वार्टर रुकी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है शुभंकर शर्मा ने। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी शुभंकर शर्मा, ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने ये सर हेनरी कॉटन रुकी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, और जो कि देखिए डीपी वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप जो दुबई में चल रही थी, दुबई में ये हुआ, वहाँ उन्हें इस अवार्ड मीन्स सर हेनरी कॉटन रुकी ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। एंड शुभंकर शर्मा ये गोल्फर है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको सयाजी रत्न
किसको सयाजी रत्न पुरस्कार सम्मान से नवाजा गया? तो ये है हमारे ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन जी को सयाजी रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है ना कि ये सयाजी रत्न पुरस्कार जो है ना, ये तीसरा पुरस्कार जो है अमिताभ बच्चन जी को मिला है। इनके पहले दो लोगों को मिल चुका है, ये है टाटा रत्न और नारायण मूर्ति, एन आर नारायण मूर्ति। हाँ, इन दोनों लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। और तीसरा ये जो सयाजी रत्न पुरस्कार इस बार जो मिला है, ये मिला है अमिताभ बच्चन को। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी, अमिताभ बच्चन। अब हम जान लेते हैं सयाजी रत्न पुरस्कार है क्या, कब स्थापित हुआ, किनको लेके स्थापित हुआ है। तो देखिए, पूर्व बड़ौदा शासक जो थे ना सयाजी राव गायकवाड़ जी, उनकी स्मृति में ये स्थापित किया गया था। बड़ौदा प्रबंधक संघ ने इन्हें 2013 में शासक की जो 150वीं जयंती इन्होंने मनाई थी, तो उसी याद में इन्होंने इस पुरस्कार को स्थापित किया था। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस शहर में जलवायु परिवर्तन पर 27वीं बेसिक जो है ना, इस बेसिक ये फुल फॉर्म है। इसमें चार देश आते हैं जो है ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन। तो ये जो 27 जो बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक हुई है 19 से 20 नवंबर 2018 में, ये किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। किस शहर की बात हो रही थी? तो ये नई दिल्ली में हुई है और ये 19 और 20 नवंबर को हुई। तो देखिए, बेसिक जिसमें चार देश शामिल है, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन, इसकी स्थापना की गई थी इसकी स्थापना जो हुई थी ना, ये हुई थी नवंबर 28 नवंबर 2009 को ये बना था बेसिक, ठीक है। और इस बार की जो हुई है 19 और 20 नवंबर को, तो इसकी अध्यक्षता की है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और ये न्यू दिल्ली में हुई है। हमारे ऑप्शन जाती है बी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किस राज्य में 36 एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे? तो देखिए, 36 एकलव्य आवासीय विद्यालय जो है, ये मेघालय में स्थापित होंगे। और केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री जुआल ओराम जी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मेघालय के जो 36 खंड है, उनके प्रत्येक स्कूल के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत में वहाँ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। और इनका है कि ये इंडिया में 500 से अधिक ऐसे स्कूल बनाने की योजना रख रहे हैं, पर अभी एट प्रेजेंट इंडिया में, हमारे भारत में 192 ऐसे स्कूल्स हैं। एकलव्य आवासीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं ना, उसी तरह के विद्यालय होंगे। कला, संस्कृति, खेल, आपकी पढ़ाई, सारी चीज़ें वहाँ विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये मेघालय में होगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 नवंबर को। हमारे ऑप्शन जाते हैं ए, 21 नवंबर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 22 नवंबर के। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।